दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में खुश आमदीद। दोस्तों काफ़ी दिनों से पीएच पेपर नहीं थे, तो इस वजह से हमने जितने प्रोडक्ट बना रहे थे उसका ना पीएच चेक नहीं हो रहा था, पावर ऑफ हाइड्रोजन। दोस्तों जितनी भी हमारे ये होम प्रोडक्ट्स के एटम है ना, इसको पीएच चेक करना मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन इस लिक्विड में, इस पानी में अगर हाइड्रोजन ज़्यादा है फिर भी हाथ जलाएगा, अगर हाइड्रोजन एक्सिड कम है फिर भी हाथ जलाएगा या जिस्म को जो ना नुकसान पहुंचाएगा, स्किन को नुकसान पहुंचाएगा। दोस्तों ये सारी जो जंक है ना, एक्सिड और बेस की है, तेजाब की है। ये कास्टिक ले ही अभी मैं बना रहा हूँ डिश वॉश, ये जो पड़ा हुआ है यकीन करो हाथ को लगता है ना, हाथ ही जल जाता है। ये बना रहे हैं डिश वॉश, इंशाल्लाह कल इसका तजर्बा आपको फाइनल करके दिखाऊंगा। आज इसमें पानी, सल्फ्यूरिक एसिड और शैम्पू बेस डाला है, ठीक है। ये झाग ख़त्म होगी, मिक्सर में मिक्स किया है, तो ये भी आपके साथ। आज हम चेक करने जा रहे हैं कि हमारा इस वाशिंग पाउडर का पीएच क्या है। मेरा जो वाशिंग पाउडर है, ये दोनों हैं, इसका पीएच क्या है। दोस्तों पीएच 11 होना चाहिए, ठीक है। आइए पहले इसकी हम रेसिपी पढ़ते हैं। सोडा एश है 45%, सोडियम बाइकार्बोनेट है 5%, TSPA जना 5%, सल्फ्यूरिक एसिड है 7%, शैम्पू बेस है, ठीक है, 3%, SLS पाउडर 1%, सोडियम सिलिकेट 5%, कलर दाने 4% और परफ्यूम 0.5%, STPP 3%, गुलाबर साल्ट 15%, साल्ट है 3%, एक्सालिक एसिड 2%, नेनसा बेस पाउडर 2%। दोस्तों ये मेरी गोल्डन ब्रांड की रेसिपी है, बेहतरीन है, चैलेंज करता हूँ, एक्सेल और एरियल का मुकाबला करती है, एक्सेल और एरियल का मुकाबला करेगी। चेक करने का तरीका ये है, 1 किलो पानी, ठीक है दोस्तों, और 10 ग्राम इसमें हम वॉश पाउडर डालेंगे तो ये चेक हो जाएगा। दोस्तों इसको हमने ज़ीरो किया, ठीक है, यहाँ से हम 10 ग्राम उठाते हैं। ये है हमारा बेहतरीन गोल्डन ब्राउन, बेहतरीन चमक के साथ 10 ग्राम हम उठाएंगे। हा, कितना चला गया, ज़्यादा चला गया, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, ये 10 ग्राम ये सुपर शम्स वाशिंग पाउडर इसमें डालेंगे, चला गया दोस्तों। इसको हिलाएंगे फिर पीएच चेक करेंगे, आसान है, पानी भी चेक कर सकते हो, पानी का पीएच 7 होना चाहिए और डिश वॉश, हैंड वॉश, वाशिंग पाउडर सब आप इस तरह चेक कर सकते हो। ये 10 ग्राम पानी और 10 ग्राम वाशिंग पाउडर, 1000 ग्राम पानी, ठीक है दोस्तों। ये पीएच पेपर, अब दिखाता हूँ पीएच पेपर होता क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। दोस्तों 1 से लेकर 6 तक एक्सिड कहलाता है, अगर इसमें पीएच 5, 4, 5, 3 होगा तो ये एक्सिड वाला पानी कहलाएगा, लिक्विड कहलाएगा। अगर इसका पीएच 7 से ऊपर है, 8 से लेकर 14 तक है, तो ये कहलाएगा बेस का पानी। हम 11 रखते हैं इसका पीएच, ठीक है। यहाँ से मैंने पेपर निकाला है,
ये इसके पेपर होते फिर कलर मैच करते, इसको हम डुबाएंगे कहाँ, इसमें, ठीक है जनाब। ये आपने डुबाया, अब ये कलर अपना रंग छोड़ेगा, चेंज हो गया कलर, ठीक है। अब कहाँ ये पड़ रहा है आप भी देख लो दोस्तों, 11 देखो दोस्तों 10 और 11 के दरमियान आ रहा है, ठीक है। 10 येलो कलर कहाँ से मैच कर रहा है, यहाँ से तो नहीं आ रहा, ठीक है। कितना आ रहा है, 10 और 11, ये 11 है वो 10 है और अपना ये है, ठीक है। ये येलो यहाँ से मिल रहा है, ये यहाँ से मिल रहा है, 10 साढ़े 10 आ रहा है, साढ़े 10 और 11, 9 से और 11 के दरमियान वॉशिंग पाउडर का पीएच होना चाहिए। तो मैं चैलेंज करता हूँ, ये हाथ नहीं जलाएगा, कोई आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता, ये आपके जेब में पड़ा रहे। पहले आप बनाएं तो 11 इसका पीएच होना चाहिए, उसके बाद जहाँ भी कोई शिकायत करे, कोई ब्लैकमेल करे या हाथ जलाता है, तो आप 1 किलो पानी में वहीं खड़े खड़े 10 ग्राम थोड़ी चपटी पानी और इसका वॉशिंग पाउडर कैस में डालें और चेक करें, कोई छुपी हुई चीज़ तो है नहीं, ठीक है दोस्तों। अभी आप 1 मिनट होल्ड करें, मैं पानी को भी चेक कराता हूँ आपको, तो इसका पानी का पीएच 7 आता है, वो भी चेक कर लो, ठीक है। मैं इसको चेंज करता हूँ, पानी डालता हूँ, फिर चेक करते हैं जी दोस्तों। ये पानी है, पानी 1 किलो हो, आधा किलो हो, मग्गा भरा हुआ हो, कोई भी पानी तो पानी है। पानी में न एसिड है न बेस है, पानी क्या है, पानी न्यूट्रल है। पानी में न एसिड है न बेस है, ये पानी का ये जो है ना पीएच 7 है, पानी का कलर वो ये आना चाहिए। जो पट्टी हमने यहाँ से निकाली इसका कलर देखो सेम है, ठीक है, थोड़ी चेंजिंग ना ये यहाँ तक आ जाएगा। अब इसको भी यहाँ डुबाएंगे, बड़ा आसान है, ठीक है, बड़ा आसान है चेक करना। ये हमने डुबाया, अब मैच करो, आ गया इसके साथ, आ गया इसके साथ भाई, पीएच 7 है, ठीक है। फिर इसको उल्टा करते हैं, 7 से लेके 14 तक है, ये 8 से लेके 14 तक मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा दोस्तों, समझ में आई। ये हो रहा है क्योंकि ये हमारा 11 साढ़े 10 11 था, बिल्कुल हो रहा है जनाब। आगे 10 और 11 के बीच में आ रहा है, आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, कलर मैच हो रहा है, क्योंकि इसका पीएच 7 है, इसमें एक्सेंट भी नहीं है, बेस भी नहीं है, इसमें ये जो लिक्विड है वॉशिंग पाउडर का, उसमें जनाब याली पीएच है 10.5 और 11 के तक। एक एक येलो कलर देखो, ऊपर वाला कलर देखो, चारों कलर का देखो, ठीक है। आइए इसको हम यू करते हैं, यहाँ मैच हो रहा है, नहीं होगा क्योंकि इसका पीएच, ठीक है, इसका पीएच 11 है, तो यहाँ मैच नहीं हो रहा, कहीं नहीं मैच हो रहा, आराम से देखो, नहीं हो रहा। ये मैच होगा, कहाँ होगा, 7 पे भाई, क्योंकि इसमें सिर्फ पानी है, पानी में एक्सेट भी नहीं है, बेस भी नहीं है, ये न्यूट्रल है। इस न्यूट्रल में एक्सेट ज़्यादा हो गया, अगर पीएच बताएगा भाई ये जो लिक्विड है एक्सेट वाला है, अगर ये पीएच ज़्यादा होगा कहेंगे ये बेस का लिक्विड है, वॉशिंग पाउडर है, डिश वाश है, हैंड वाश है। ये देखें, ये 7 पे आ गया, इसको कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर हमारे वॉशिंग पाउडर का पीएच 11 है, 10 है, 9 है, बेहतरीन है,
कोई माइकल लाल आपको चैलेंज नहीं कर सकता। ये कल मैं लेके आया था 700 में मिली, 100 पट्टी है, 7 रुपये की एक पट्टी है। पावर ऑफ हाइड्रोजन हमेशा अपने जेब में होने चाहिए। मैन्युफैक्चरर बनो, कबाड़ी नहीं बनो। नमक डाल के अपना सर नीचे नहीं करो। आप ना सोप स्टोन डाल के अपने कारोबार को तबाह नहीं करो। बेहतरीन चीज बनाओ फॉर एवर के लिए, 100 साल के लिए, 200 साल के लिए, लाइफ टाइम के लिए कारोबार है। शर्त यह है कि इसके फार्मूला को एक एक लहने को, एक एक चीज, एक एक रिएक्शन और एक्शन को सीखो। पीएच मेरे का 10.5 or 11 है, ये हाथ नहीं जलाएगा। कोई माई का लाल हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन चीज़ बनाओ, अपना मकसद सेट करो, अपना गोल सेट करो। बेमकसद ज़िंदगी जानवर गुजारता है। मकसद को अगर आपने वॉश पाउडर रखा है, मकसद अगर डिश वॉश है, हैंड वॉश है, ये जनाब अली क्या फिनाइल है, तो ये रिसर्च की दुनिया में, रिसर्च की लैब हमने खोली है। सीखते हैं और सिखाते हैं। कल इंशाल्लाह ये डिश वॉश का ये तजर्बा भी फाइनल हो जाएगा, वो भी आप दोस्तों को दिखाएंगे। पावर ऑफ हाइड्रोजन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये सब अखराजात आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, ये सब अखराजात आपको एडवाइस के लिए कर रहा हूँ, ये सब अखराजात आपको मोटिवेट करने के लिए, हौसला अफजाई के लिए। तो उठो, कारोबार करो, बेरोजगार मत रहो। कोई आइडियाज, कोई आइडियाज, कोई ख्वाहिशें, हजारें ख्वाहिशें, 10 ख्वाहिशों में एक ख्वाहिश फाइनल करो। स्ट्रगल करते रहो। मंजूर तो वही होगा जो खुदा को मंजूर होगा। अल्लाह तबारक तआला कुछ और ही आपके लिए सोचा होगा, मगर कोशिश करोगे तो मिलेगा। मैंने सोचा था अपने फ्लोर मिल, 35 साल फ्लोर मिल, कम अज़ कम 40 इतने बड़े बुक पढ़ के पूरे ना कपबोर्ड भर गया। रिटायर होके यहाँ पहुँचा, पता पड़ा कि गंदम जो है वो सरकारी रेट पे सियासतदान ही इशू करते हैं, कोटा आपको मिलेगी नहीं। और जनाब अभी अभी कभी ज़ीरो, कभी अप, कभी डाउन। फिर उस फ्लोर मिल को छोड़ के वाशिंग पाउडर का तोहफा अल्लाह मियां ने फैक्ट्री दे दी। बेहतरीन चीज़ है, नहीं चल रही है, मैं नहीं चला रहा। वो कहते हैं नमक डालो इसमें जनाब अली, वो पत्थर डालो, मैं नहीं डालता। एक एजाज है, एक ब्रांड है, एक मुस्तकबिल है। आपके सामने पावर ऑफ हाइड्रोजन चेक हो गया, इसी तरह पीएच चेक किया जाता है। सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से खुदा हाफिज़।